गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आइए, चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है, कहीं ना कहीं यहीं से रेजिस्टेंस खा रहा है एंड फ्लैट टू गैप अप ही है। कल की तरह चार्ट रिपीट करेगा तो आज मेरा बाइंग का व्यू है। ये भी कहीं यहीं से रेजिस्टेंस खा रहा है तो देखते हैं। लो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ भी कहीं ना कहीं सेलिंग आई थी कल एंड ये क्लोजिंग से ही सपोर्ट ले रहा है, 45K के ऊपर है। थोड़ा सा एक बार वेट करेंगे हम, देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। अभी हम पोजीशंस बनाने वाले हैं। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने क्या किया, 45K से सपोर्ट लिया। हम यहाँ क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करने आ रहा है। ये क्लोजिंग का सपोर्ट ले ले, एक ये इंडेक्स क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दे, हम लोग एंट्रीज बनाएंगे। वेट करिए, देखिए इस लेवल को निकालने दीजिए एक बार। तो चलिए, हमने यहाँ पोजीशंस बना ली हैं अपनी। तो चलिए बुकिंग करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स अच्छे चलने शुरू हो चुके हैं। चलिए बुकिंग कर दी हमने। हमारी बुक हुई है 470 पे, 360 पे हमने लिया, 470 में हमने एग्जिट कर दी। 470 अगर हम देखें, कहीं ना कहीं हमने 110 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं मार्केट में आज के दिन में। हमें थोड़ा और अच्छा दिख रहा था लेकिन हमने 110 पॉइंट कैप्चर किए हैं मात्र 1, 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर। चलिए ऑर्डर की बात कर लेते हैं। हमने ऑर्डर बनाया था 932 पे, 936 पे हम एग्जिट कर गए। 360 पे हमारी एंट्री थी, 470 पे हमने एग्जिट किया है। नियर अबाउट 110 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया है आज के दिन में मार्केट में। प्राइस अभी और ऊपर जा रहा है। पोजीशंस की बात कर लेते हैं एक बार। हम पोजीशंस में हमने कैप्चर किए हैं, बनाए हैं 1652.25 प्रॉफिट। आइए फटाफट से मार्केट में आज डिस्कशन कर लेते हैं। हमने ट्रेड एंट्री क्यों बनाई थी, कहाँ बनाई और कैसे बनाई। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में कल क्या हुआ था, अब बात को समझिए। मार्केट फ्लैट टू गैप फ्लैट ओपन हुआ, डे लो निकालने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में कॉन्स्टेंट सेलिंग आई। ठीक है, आज के दिन भी मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप अप हुआ है, लेकिन देखिए अब ये बहुत अच्छा निकल रहा है। हम थोड़ा वेट कर सकते थे लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से हम ये भी ट्राई करेंगे कि वेट करेंगे। ठीक है ट्रेड में, तो कहीं ना कहीं मार्केट आज भी फ्लैट टू गैप अप ही दिया, थोड़ा सा फ्लैट ही मान लीजिए आप इसे। 45K के ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिखाया, जो रैंडम बायर्स आए क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा था 45K के ऊपर, तो रैंडम बायर्स आए उनको एक बार आउट किया मार्केट ने। ठीक है, आउट करने के बाद देखिए क्लोजिंग का कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ कौन एक्टिवेट होंगे, सेलर्स एक्टिवेट होंगे। निफ्टी में वहीं अगर हम देखें, निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं सुबह सुबह क्या किया, फ्लैट ओपनिंग दी। कल भी फ्लैट ओपनिंग में आप निफ्टी में भी देख सकते हैं, निफ्टी में भी क्या है, डे लो ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं सेलिंग में आया मार्केट। ठीक है, यहाँ भी अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो आज डे लो के बाद सेलिंग नहीं, कॉन्स्टेंट बाइंग में जाएगा मार्केट। कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ भी क्लोजिंग से सपोर्ट लेते हुए दिखा रहा था, तो इनको एक बार हंट करते हुए मार्केट डाउन साइड आया। इस लो लो का एक बार ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद मार्केट में अप साइड हंट करते हुए गया सेलर्स को। एक और रीजन देखिए क्या था, आज मेरा बाइंग का व्यू क्यों था जब इतना अच्छा ट्रेंड नेगेटिव का है। देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा अच्छे से टाइम फ्रेम पे दिखाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको ये कप एंड हैंडल जैसा कुछ दिख रहा होगा इधर, और 45K के नीचे ही कल मार्केट ने क्लोजिंग दी, इतना लोगों को होल्ड कराया मार्केट ने, इतना लोगों को होल्ड कराया, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया। देखिए जो रैंडम सेलर्स हैं वो तो घुस पाए नहीं होंगे, सॉरी रैंडम सेलर्स नहीं, जो नॉर्मल रिटेलर है वो ये मोमेंटम सेलिंग का कैप्चर कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब जब मार्केट ने 45K का ब्रेकडाउन दे दिया है तो
उसका व्यू डाउन साइड का हो गया होगा कि यार अब तो 45,000 का भी ब्रेकडाउन दे दिया, कवेनेंटल का भी ब्रेकडाउन दे दिया, अब हम सेल करेंगे। तो उसको देखते हुए वो क्या करेगा, अपनी 45K को देखते हुए पोजिशन होल्ड करके लेके जाएगा, और आज हमने उसी को टारगेट करते हुए बाइंग साइड का ट्रेड बनाया। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डिड मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल विच इज प्रॉफिट पल्स। विल कैच यू गाइस अप इन द नेक्स्ट वन। बाय।